आम चैनल स्वागत करुची। आज आम आलोचना करवा आजिकल जो आम अनियमित भाव में खावा खाऊे एवं विभिन्न प्रकार पानी पीऊे सीए किपर आम ओजन बढ़े थाए ओजन बढ़ आम बहुत असुंदर देखा जाए ओजन बढ़िया द्वारा आमर अगर बहुत रोग होता है सहित जिते बार ओजन बढ़ी जाऊँ कि पेटर चर्बी रोचे ताहले आमे बहुत जल्दी हालिया जाऊे आमे कौन सी भी काम करने प्रस्तुत रही पारने एवं आम को थका बहुत लगी थाए ताहले आज आपण जानिबे जदि आम सका गोटे ग्लास उषुम पानी रे जीरा पके कि पीऊे ताहले सी किपर आम ओजन कमेबारे साहाज्य करथाए एवं रसुण मध्य किपर आम ओजन कमेबारे साहाज्य करथाए ताहले चालंतु आरंभ करिबा आजर वीडियो ताहले चालंतु प्रथमे आमे देखिथाबा कौन सब सामग्री दरकार एही रेसिपी बनेबा पे रेसिपी बनेबा पे हेले प्रथमे आमको गोटे सॉसपैन केते गुडे पानी जीरा मोहु छणा एवं चामचर आवश्यक आज आम बनाऊे किपर आम निजे घरे बसिकी एवं घर सामग्री व्यवहार करके निज ओजन कमाई पारिबा ताहले प्रथमे होची आमे पानी को सॉसपैन रे दबा एवं पानी टाकु आपण फुटिया को देबे देखंतु पानी एटी फुटी गलाणी एतरे आमे एबे गोटे चम्मच जीरा पकाइबा एवं तापरे ताकु आमे 5 रो 10 मिनिट फुटिया को दबा एटी 5 रो 10 मिनिट होई गलाणी एबे मो गैस टा बंद कर देबी एबे आमे एही जीरा पानी को जो कप रे मापी करी आमे पानी को फुटाइले सेही कप रे अजाड़ीबा देखंतु जीरा पानी होई गलाणी जदि आपन को दरकार ताले आपन एतिरे लेंबू रस मिसाई परिबे किंतु जदि आपन को लेंबू रस मिसा को भलो न लागुची ताले आपन गोटे छोटा चम्मच मोहु मिसांतु मोहु मिसाई कि एही पानीडा पीबा द्वारा आपन को बहुत सारा फायदा मिलता है एवं आपन को ओजन कमिबारे सहाय्य मध्य होइथाय देखंतु आमर जीरा पानी आमर ओजन कमेयर डिटॉक्स वाटर रेडी हो गलानी एबे एही पानीटा आपण सेवन कले आपणकर ओजन कमेबारे एवं अन्य बहुत फायदा देथाए किंतु जदि आपण को लागुची कि जीरा पानीटा बनेबा बहुत समय जीव ताहाले ता जगरे आपण द्वितीय घर उपाय मध्य चेष्टा कर परिबे सेति पाई कि कौन सब सामग्री दरकार सेटा देखि देबा सेति पाई कि आमको गोटे रसुण एवं टिके मोहु ता सहित गोटे पात्र रो आवश्यक प्रथमे आपण रसुण को भलो से छड़ाइबे दुईटा रु तीनटा रसुण कुलारु जेते बेले आपण चुप्पा छड़ाई देबे तापरे आपण रसुण गुड़ी को छोट छोट खंड करी काटि नेबे देखंतु मु रसुण गुड़ा केड़ी की छोट छोट करी नै छी एही साइज रो रसुण को आपण से पात्र रे नेबे एवं सेथिरे जदि आपण गोटे छोट चम्मच मोहु मिसाइकरी आपण प्रतिदिन सकाळु खाली पेटरे खाउचंती ताहाले आपणकर ओजन कमीबा सहित आपणकर विभिन्न प्रकार अन्य फायदा मध्य देइथाए एवं ध्यान रे रखिबे कि एहा करिबा समय रे आपण एही रेसिपीटा को केबे भी हेले एकत्र ढोकिबे नाही ताकु आपण चोबाई चोबाई खाइबे भिडियोटा देखिकी आपण जानिगले कि सकाळु जदि आपण एही उपाय गुडा करूचंती ताहाले सीए किपर आपणकर ओजन कमेबारे साहाज्य करथाए आहु गोटे इम्पोर्टेन्ट जिनस होउची जदि आपण गरम पानी रे जीरा पकाईकी न पी पारुचंती ताहाले आपण गोटे दिन राति आगरु कुसुम पानी रे जीरा को भलसे भिजाईकी रखिबे एवं ता परदिन सकाळे जदि आपण सेही भिजा होइतिबा जीरा पानी को भलसे फुटाउचंती सेथिरे आपणक इच्छा रे लेंबू एवं गोटे छोटा चम्मच टुक मुह मिसाईकी पीबे ताहाले मध्य आपणकर ओजन कमिबारे साहाज्य होइथाए जीरा खाइबा द्वारा आपणकर केवल खाली ओजन कमि नथाए आपणक त्वचार सुंदरता बढ़िथाए केश पई बहुत लाभदायक होइथाए आपणक जदि शरीर रे अधिक कोलेस्ट्रोल अछि कोलेस्ट्रोल कमिबारे साहाज्य होइथाए ता सहित आपणक जदि हृदरोग अछि हृदरोग दूर करियारे मध्य बहुत लाभदायक होइथाए एवं
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜିରା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ରକ୍ତ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଜିରା ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ, କିଡ଼ନୀ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ରସୁଣ ଏବଂ ମହୁର ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ରସୁଣ ଆମ ଶରୀରକୁ ଗରମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ଠିକ୍ ନହେଉଥିବ ସିଏ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ କମିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ, ଜ୍ୱର, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମହୁ ସହିତ ରସୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମହୁରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ, ଆମ କେଶର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ଏବଂ ଆମର ଓଜନ କମିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମହୁ ରସୁଣ ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ, ଜ୍ୱର, ପେଟ ରୋଗ ଏବଂ ହାର୍ଟ ରୋଗ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ଯଦି ଆପଣ ଜିରା ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରସୁଣକୁ ମହୁରେ ପକାଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ କିପରି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଦୁଇଟା ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଭିଡିଓଟା ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବେ ଯାଇକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା କଡ଼ରେ ବେଲ୍ ଥିବା ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂଆ ଟପିକ୍ କିମ୍ବା ସଜେସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।